अमरोहा पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अमरोहा पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश हेमराज घायल हो गया। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। बदमाश का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस पकड़ने के लिए कॉम्बिंग कर रही है। दोनों घायलों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पकड़ा गया बदमाश जिले का टॉप 10 वांछित अपराधी है। पुलिस ने एक बाइक, बिना नंबर, एक तमंचा, 4 कारतूस बरामद किए हैं। पूरा मामला अमरोहा जनपद के थाना गजरौला इलाके के तिगरी मार्ग का है। गजरौला पुलिस संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी कि करीब 1 बजे एक बाइक पर 2 युवक दिखाई दिए। उन्हें रोकने का इशारा किया तो पुलिस को देख दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की गोली पैर में लगने से 25,000 का इनामी बदमाश हेमराज घायल हो गया। मुठभेड़ में एक सिपाही राजीव कुमार भी घायल हो गया। बदमाश का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए ईख के खेत में घुसकर फरार हो गया। पुलिस बदमाश को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग में लगी है। बदमाश के कब्जे से एक बिना नंबर की बाइक, एक तमंचा, 4 कारतूस बरामद किए हैं। दोनों घायलों को जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पकड़े गए बदमाश की पहचान हेमराज उर्फ राजेश पुत्र जगराम निवासी गांव पतिया माफी थाना असमौली जिला संभल के रूप में हुई है। अमरोहा के थाना अमरोहा देहात के केलसा बॉर्डर के एक डॉक्टर पी के विश्वास का 11 अगस्त को अपहरण करने का मुख्य आरोपी है और देहात थाने से वांछित है। 25,000 का इनामी है। अमरोहा का अपहरण के मामले में परिवार के लोग भी शामिल है, उन पर भी कार्यवाही की जाएगी। बताएं जो आज मुठभेड़ से क्या पूरा मामला। थाना गजरौला में चेकिंग के दौरान रात्रि में एक बाइक को रोकने का प्रयास किया गया पुलिस के द्वारा, जिस पर ये नंबर नहीं था। इस पर जो बाइक सवार थे उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। पीछा करने पर उन्होंने फिर फायर किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त को गोली लगी है और एक फरार हुआ है। जो अभियुक्त को गोली लगी है उसकी शिनाख्त हेमराज के रूप में हुई है, जो कि 25,000 रुपये का इनामी वांछित है जनपद अमरोहा का। इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक बंगाली डॉक्टर है उसका अपहरण किया था थाना अमरोहा देहात में अगस्त के महीने में, और उसी में वांछित चल रहे थे। पुलिस को काफी समय से इनकी तलाश थी। जो अन्य अभियुक्त थे इस मुकदमे के वो जेल जा चुके हैं और इसमें इनके परिवारजनों का भी रोल सामने आया है। उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल आज की घटना में इसको अरेस्ट किया गया है और पूछताछ की जा रही है। जो मुकदमा है उसमें जेल भेजा जाएगा। इनसे एक बाइक बरामद हुई है जिस पर नंबर नहीं है कोई, और एक तमंचा बरामद हुआ है। आगे इनसे पूछताछ कर कार्यवाही की जाती है। ये कहाँ जा रहे थे, किस तरह घटना को अंजाम दिया, कैसे? जी, ये रात्रि में बिना बाइक लिए संदिग्ध अवस्था में घूम रहे थे। यथासंभव ये कोई घटना की फिराक में थे। इसी पर पुलिस ने इनको रोक कर चेकिंग का प्रयास किया, जिस पर की ये घटना घटित हुई है। आगे इनसे जो पूछताछ होगी विस्तृत रूप से, उसमें जो भी चीजें सामने आएंगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, जो अपहरण किया था तो उसको लेकर इन्होंने कहा, क्या बताया इन्होंने, क्या निकल पा रहा? जी, उसमें इन्होंने स्वीकार किया है अपना रोल इसमें और अपने साथियों का भी नाम बताया है। इसमें आगे इनसे पूछताछ की जाएगी। अभी इलाजरत हैं, इनका जो घायल है इनको अस्पताल पहुंचाया गया है। एक पुलिस का सिपाही भी घायल है, उसे भी अस्पताल ले गए हैं। इलाज के बाद जो भी आगे परिस्थिति बनती है उसके अनुरूप आगे कार्रवाई की जाएगी।